अच्छा अब रैपिड फायर पे आ देते हैं। ठीक हो गया जी। ऐसे समझो कि दुनिया में लोग खत्म हो गए हैं और चार लोग बचे हैं, आप इनमें से किससे शादी करोगी? अच्छा अच्छा, आप इनमें से किससे शादी करोगी? पहला नाम है जी शहबाज शरीफ, दूसरा नाम है फजल रहमान, तीसरा नाम है इमरान खान, चौथा ये बाबे मिले थे आपको। मैं सिंगल मरूंगी। मैं सिंगल मरू नहीं नहीं मैं भी तो नहीं, मैं सिंगल मर जाऊंगी। मुझे भी रिजेक्ट फिलहाल। चले ठीक हो, कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म है जी और आपने शूट पे जाना है, किसके साथ जाओगी? कोई लिफ्ट देता है आपको, किसके साथ बैठना पसंद करोगी? शेख रशीद, अतातारा, नवाज शरीफ? शेख रशीद सियासतदान है, सिंगार भी पीते हैं, बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग मारते हैं। अतातार वो नूली, मैं जूते उतार के पैदल चलना शुरू कर दूंगी। नवाज शरीफ के साथ भी नहीं जाएगी? नहीं क्यों, मतलब मैं क्यों चली जाऊंगी, मैं अरेंज कर लूंगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, नाम भी है, गाड़ियां यूके में इधर उधर। बट अब्बू ने हमेशा बोला है कि किसी के साथ गाड़ी में ना बैठना। अच्छा चलो ठीक है, आप एक कश्ती पे सवार हैं और आपके पास एक जैकेट है, किसको बचाएंगी आप? आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, फवाद खान? फवाद खान को बचा लूंगी, उनके साथ मूवी भी तो करनी है। अच्छा फवाद खान के साथ जी। मरियम नवाज को बिल्कुल नहीं? बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपना भी तो करियर प्यारा है, उन थोड़ा फवाद खान थोड़ा चीजें देखनी पड़ेगी, थोड़ा चीजें देखनी पड़ेंगी। बिरयानी की तरफ आ जाती है, आपके पास एक बिरयानी की प्लेट है, किसके साथ शेयर करोगी? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज? मरियम नवाज को खिला दूंगी इस बार। मरियम नवाज को? हाँ, बिरयानी उनकी मशहूर है, आप खिलाएंगी भी उन्हीं को? नहीं मैं उनको खिला दूंगी, क्योंकि पिछले सवाल में मैंने उनका नाम नहीं लिया ना, तो इस बार अपनी बिरयानी उनको खिला दूंगी। मतलब कुछ कुछ मोहब्बत है उनसे? है, खूबसूरत है यार। अच्छा खूबसूरती की वजह से अट्रैक्शन है आपको? नहीं उनके उनके व्यूज भी कभी कभी बहुत, उनके व्यूज भी अच्छे हैं। एज अ लेडी वो बहुत बहुत डोमिनेंट है, एज अ लेडी वो जहाँ खड़ी हैं हम उनको एज अ लीडर देखते हैं, और वो इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करें तो बहुत बड़ी बात है। आपके पास एक काम है, 3 लोग हैं शेयर करना है आपको, फवाद खान, इमरान अब्बास, महवेश हयात और फवाद खान, दोनों एक ही साथ रखती हैं आपने। वैसे तो फवाद खान बोलूँगी बट मैं महवेश हयात को दे दूँगी। महवेश हयात एक बंदा, फवाद खान को या साइड पे करो, मैं बस याद ले आऊं। दोनों को छोड़ दे, इमरान अब्बास को दे दूंगी। इमरान अब्बास को? कंपटीशन बढ़ गया। कोई बात नहीं, उनसे भी तुम देखो मैं वो कैसे हैं, क्या पता बहुत दिल के अच्छे इंसान हो, बात करूं तो हम साथ किसी अच्छे काम कर सके। ऐसी चीज जो आपको लगता है कि कंपेयर करो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में, तो वो चीज न्यूजीलैंड में सही है और पाकिस्तान में सही है, कोई ऐसी इंप्रूवमेंट? वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ मैं तो यही बोलूँगी। और ऐसी चीज़ जो न्यूजीलैंड में नहीं है पाकिस्तान में है? दोनों के जवाब देना पसंद करूँगी मैं। जो चीज़ न्यूजीलैंड में है वो पाकिस्तान में नहीं है। सबसे पहली और बड़ी चीज़ लोगों की सच्चाई और ईमान, वहाँ के न्यूजीलैंड में अच्छा। चाहे वहाँ के लोग नॉन मुस्लिम्स हैं लेकिन आपसे मुस्कुरा के बात करते हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, फरेब नहीं करते, पागल नहीं बनाते, कुछ नहीं करते, जो है मुंह पे है और हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, और हर बार आपको छोटी बात पे थैंक यू, सॉरी 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 बोलते रहेंगे। तो हम तो दिन में पता नहीं 400 सॉरियां फेंक के चले जाते हैं चलते चलते, और 400 थैंक यू तो ऐसे ही बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये है, और पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात है यहाँ के लोगों का प्यार, वहाँ पे हमें इतना प्यार नहीं मिल पाता क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। सबसे ज़्यादा प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। वही आपने बात की ना, गाड़ी ख़राब हो जाए टायर, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वेट करूँगी कि कोई आए। बहुत सारे लोग वैसे ही आ जाएंगे कि मैम का टायर ख़राब हो गया या पेट्रोल ख़त्म हो गया, हम इनको लेके जाएँ। तो पाकिस्तानियों का प्यार बहुत प्यारा है।